नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की करंट अफेयर के बनते हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चन को विस्तार से डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की हर नई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जो कि उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जो कि उत्तर कोरिया हर रोज कोई ना कोई गलत हरकतें करता जा रहा है, जिससे कि सभी देशों में इनके खिलाफ आक्रोश है। तो इसी कड़ी में अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो INS तराशा एक निगरानी युद्धपोत है। युद्धपोत को आधुनिक तकनीक के साथ भारत के पश्चिमी तटों की निगरानी और सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो कि युद्धपोत है, ये INS तराशा। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में विजय गोखले को नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में विजय गोखले को नियुक्त किया गया है। ये विजय गोखले थे जिन्होंने जो कि डोकलाम विवाद था, चीन डोकलाम विवाद था, उसको सुलझाने में, उसको निपटाने में अहम भूमिका निभाई थी विजय गोखले ने। विजय गोखले ने जो चीन और डोकलाम विवाद था, जिसमें भारतीय सेना डोकलाम में जाकर जो कि चीन की सेना की सामना कर रही थी, तो वो चीन विवाद तो विजय गोखले ने उसको निपटाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसीलिए सरकार ने विदेश मंत्रालय के सचिव, जो विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेशन मुस्कान रेलवे स्टेशनों व रेलवे परिसरों के द्वारा चलाए जाने वाला अभियान है। इस अभियान के तहत जो कि लापता और चुंगल में फंसे बच्चों को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मुक्त करवाया जाता है, जो कि RPF होती है, रेलवे सुरक्षा बल, तो उसके द्वारा जो कि लापता बच्चे होते हैं और जो कि कई ऐसी कठिनाइयों में बच्चे फंसे होते हैं, तो उनको बचाने के लिए तो ये ऑपरेशन मुस्कान, जो कि ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है। और अभी अभी जो कि रेलवे सुरक्षा बल ने 3840 बच्चे पकड़े हैं मुंबई से, जिनको कुछ बच्चों को तो उनके माँ बाप को सौंप दिया गया है और कुछ 438 बच्चों को बाल, जो कि बाल विकास विभाग है, उसको सौंप दिया है। तो DRUJDVA 2017 पाकिस्तान के और रूस के मध्य आयोजित किए जाने वाला सैन्य अभ्यास है, जो कि DRUJDVA जो कि 2017 है, पाकिस्तान और रूस के मध्य आयोजित किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो इसके पीछे जो मेन मकसद है वो है दोनों देशों की जो कि सैन्य शक्तियां हैं आतंक के खिलाफ लड़ना। तो इसी कारण ये सैन्य अभ्यास पाकिस्तान और रूस के जो कि मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैक लमोटा पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। जैक लमोटा पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। और इन पे हाल ही में इन पर एक फिल्म बनाई गई थी, हॉलीवुड मूवी बनाई गई थी, जिसमें जैक लमोटा की भूमिका पर ये मूवी बनी थी। और सरला पुरस्कार से बैनेज देवी को सम्मानित किया गया है। बैनेज देवी प्रसिद्ध उड़िया कवि और लघु कथा लेखिका है, जो कि सरला पुरस्कार से बैनेज देवी को जो कि सम्मानित किया गया है। और बैन देवी हैं ओडिया कवि और लघु कथा लेखक हैं, उड़ीसा की हैं ये, जो कि कवि और लघु कथा लेखक हैं। लिविंग लेजेंड पुरस्कार से मेहताब बामजी को सम्मानित किया गया है। मेहताब बामजी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इनको लिविंग लेजेंड पुरस्कार से जो कि सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण जो कि अनुमूलन दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसको मनाने का यही कारण है कि जो परमाणु हथियारों की होड़ लगी पड़ी है सभी देशों में, वो उससे बढ़कर परमाणु हथियार बना रहा है और वो उससे बढ़कर परमाणु हथियार बना रहा है, तो इसी की रोकथाम के लिए ये पूर्ण अनुमूलन दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु का हथियारों का। तो इसका कारण ये है कि इनको, इनके खतरे के बारे में सभी देशों को जानू करवाना और इनसे कम करने की जो कि अपील की जाती है इसी दिवस को, 26 सितंबर को।
नेक्स्ट है कि गुजरात में प्रधानमंत्री रसोई गैस पंचायत शुरू की गई है, प्रधानमंत्री रसोई गैस पंचायत शुरू की गई है गुजरात में। तो इसका यही कारण है कि जो ये गैस रसोई गैस पंचायत शुरू की गई है, इसमें जो गुजरात में जो कि लकड़ी के बालन से जो कि चूल्हा जलाया जाता था, जैसे कि लकड़ी का बालन हो गया और जो कि तेल हो गया, तारकोल का तेल हो गया या अन्य कई तेल हैं, और जो कि ऐसे बालन से एक शुद्ध रसोई गैस जिससे कि लगभग काफ़ी परिवारों को सिलेंडर मुहैया करवाए गए हैं गुजरात सरकार द्वारा, और ये एक आधुनिक तरीके से उनको खाना बनाने के लिए प्रस्थान किया गया है। नेक्स्ट है कि पेंशन पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पेंशन पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए बाल श्रम को समाप्त करने के लिए मदद मिलेगी। नेक्स्ट है कि अरुण साधु प्रसिद्ध मराठी पत्रकार एवं लेख थे, हाल ही में इनका निधन हो गया, जो कि मराठी पत्रकार एवं लेख थे अरुण साधु, इनका हाल ही में निधन हो गया है इसी मंथ। तो सकाली उत्सव में नेपाल में मनाया जा रहा है, जो कि सकाली उत्सव है ये नेपाल में मनाया जा रहा है, और ये उत्सव जहां नेवार समुदाय के लोग मनाते हैं, इस उत्सव को नेवार समुदाय के लोग मनाते हैं सकाली उत्सव को। नेक्स्ट है कि पर्यटन दिवस प्रति वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, पर्यटन दिवस है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष। नेक्स्ट है कि पलाऊ में भारत के राजदूत के रूप में जयदीप मजूमदार को नियुक्त किया गया है, जो पलाऊ में भारत के राजदूत के जो कि रूप में जयदीप मजूमदार को नियुक्त किया गया है। ये आई एफ एस ये अधिकारी थे जो कि 1991-92 का शायद बैच था, उसके ये अधिकारी थे जयदीप मजूमदार, इनको भारत के राजदूत के रूप में पलाऊ में नियुक्त किया गया है। और भारत की न्यूटन फिल्म को ऑस्कर के लिए चुना गया है, न्यूटन मूवी है इसको ऑस्कर के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि बेल्जियम जूनियर ओपन बैडमिंटन का खिताब भारतीय युवा शटलर वैष्णवी रेड्डी ने जीता है, बेल्जियम जूनियर ओपन बैडमिंटन का खिताब। नेक्स्ट है कि वर्जन ऑफ मर्सी फेस्टिवल स्पेन में मनाया जा रहा है। और नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अध्यक्ष के रूप में बी शंभ मूर्ति को नियुक्त किया गया है, जो कि राष्ट्रीय भुगतान निगम है इसके अध्यक्ष के रूप में बी शंभ मूर्ति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि एस्टोनिया में भारत के राजदूत के रूप में बाणी सूरजूराव को नियुक्त किया गया है, बाणी सूरजूराव है इनको नियुक्त किया गया है जो कि एस्टोनिया कंट्री है इसमें भारत के राजदूत के रूप में। तो ये थी करंट अफेयर 5 से लेकर 10 अक्टूबर तक की, जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने सभी क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए यूजर हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की हर नई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।